हाँ पापा, चरण स्पर्श। पैसे? हाँ हाँ पापा, पैसे आ गए हैं। जी जी, हो जाएगा इसमें। हाँ, ट्यूशन का भी हो जाएगा और रूम रेंट भी हो जाएगा। पिछले महीने की सेविंग्स है ना? जी ठीक है पापा, चरण स्पर्श। भाई हो जाएगा इतने में, क्यों नहीं बता देते हो अपने पापा को कितने खर्चे हैं तुम्हारे? 30,000 रुपए में तुम्हारा तो सिर्फ कॉलेज का फीस हो जाता है। कब तक लोगे अपने दिमाग पे इतना प्रेशर? अगर प्रेशर लोगे तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे? बता दो अपने पापा को कि तुम्हारे इतने ज्यादा खर्चे हैं। भाई अक्सर जिम्मेदारियों के आगे इच्छाओं को दबना पड़ता है, और वैसे भी भाई ट्यूशन तो पढ़ा ही रहा हूँ, उसमें भी कुछ बचत हो ही जाती है। अरे अगर सुबह दूध केला नहीं खाऊंगा तो सेहत थोड़ी ना खराब हो जाएगी, और वैसे भी कॉलेज भाई 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे है, ऑटो के बजाय पैदल चल लिया करूंगा। पैसे भी बच जाएंगे और सेहत भी बनी रहेगी। और भाई घर की आदतों ने बिगाड़ के रखा है हमें कि 3 टाइम का खाना खाओ। अरे घर से दूर रहने वाले लड़के 2 टाइम का खाना खा के भी बहुत एक्टिव रहते हैं। और भाई पापा की इतनी सैलरी कहाँ कि उनके पैसों से शौक पूरे किए जाएं। पिछले 4 सालों से यहाँ पे हूँ और तैयारी कर रहा हूँ, कभी 4 रैंक से रह गया, कभी 6 मार्क्स से। हमेशा उनको भी यही सुनने को मिलता है, उसके बाद भी भरोसा रखें कि उनका बेटा कुछ करेगा। और करूंगा भाई, तुम देखना, एक दिन ये 3-4 रैंक को पीछे छोड़कर एक जिम्मेदार बेटा बनूंगा और अपने पापा से कहूंगा कि पापा अब आप आराम करिए, घर की जिम्मेदारी मेरी।